फिर हमको यहाँ से एक तो अभी मैं देख रहा हूँ कि पेट्रोल पे ब्लिंक कर रहा है, तो पेट्रोल भराएंगे उसके बाद सीधा जाके वीडियो एंड तक देखो, मजा आने वाला है। क्या बोलते हैं आदम? यस, हमको घूमने का मजा ही कुछ अलग है भाई। तो हाय दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं एक नए व्लॉग के साथ, और आज का जो व्लॉग बनने वाला है और वो बहुत अच्छा बनने वाला है, तो वो व्लॉग आप लोग मिस मत करो। मिस मतलब बिल्कुल नहीं करना है। आज हमारे साथ है भाई लोखंडे, मोगली बोलते हैं इसको, मोगली हम लोग बोलते हैं। इसका नाम मोगली कैसे पड़ा आप लोग कंफ्यूज होंगे, तो मैं किसी दिन टाइम निकाल के आप लोग को बताऊंगा कि इसका नाम मोगली कैसे पड़ा। तो अभी हम लोग चलते हैं अपनी गाड़ी के पास। आज गाड़ी सीखने का थर्ड डे, जो आप लोगों को मालूम पड़ेगा कि हम लोग गाड़ी कैसे चलाते हैं, क्या करते हैं, सारी चीजें आपको मालूम पड़ेगा। अभी फिलहाल हम लोग है कहीं पे, तो अभी यहाँ से चलते हैं धीरे धीरे। और आज आदर्श बना हुआ है ट्राइपॉड, और ये काफी अच्छा ट्राइपॉड बना है। ट्राइपॉड मजा मतलब कैमरा पकड़ने में बहुत मजा भी आता है ना भाई, वो तो है। और इसका हाथ भी लंबा है, और इसका हाथ भी लंबा है ना। अभी अंधेरा आ जाएगा, तो अभी हम लोग आ चुके हैं हमारी गाड़ी के पास। अभी सीन कैसा मालूम है, और कैमरा वॉचमैन अंकल को दी है हमने। हाँ, और लव यू वॉचमैन अंकल, वो भी हंस रहे हैं। वो सच बताओ, वो इतने परेशान हो चुके हैं, वो बोल रहे हैं ये जितने लड़के लोग सिर्फ रातों में ही आते हैं, नाइट राइडर्स, और रातों में हमको परेशान करते हैं। अंकल सॉरी, और आपके लिए हम लोग कुछ गिफ्ट जरूर लाएंगे 31st को, और आपने जो मांगा है वो जरूर आपको मिलेगा। और आप लोग अगर समझ गए होंगे कि इन्होंने क्या मांगा है, तो नीचे कमेंट कर दो। 90 नहीं, इन्होंने पूरा क्वार्टर मांगा है। तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये हमारी इतनी हेल्प करते, तो हमारे तो हक बनता है कि उनको थोड़ा खुश रखे हम लोग। तो अभी हम लोग यहाँ से गाड़ी निकालते हैं, उसके बाद चलाते हैं और सारी चीजें आप लोग को दिखाते हैं। अभी हम लोग ऐसे खड़े जैसे हम लोग प्रेजेंटी लगाते हैं, बहुत ज्यादा ठंडी लग रही है इसकी वजह से ऐसे खड़े। और आते समय देखो, कल भी हम लोग आए थे लेकिन कल इतनी ठंडी नहीं थी, लेकिन आज का सीन कैसा, आज बहुत मतलब मेरी गलती हो गई यार, मेरे घर में सारी चीज थी लेकिन मैंने ली नहीं। फिर मैंने क्या किया, जो एयरपॉड्स होते हैं ना वो मैंने कान में लगाए, तो उसके जो थोड़ा रिलीफ, वो मैंने आदर्श से ज्ञान लिया थोड़ा, क्योंकि मैं आते समय गाना सुनते सुनते आ रहा था एयरफोन में, तो ये सर जो थोड़ा ज्ञान दिए, इनका ज्ञान देखे। और अच्छा होगा मैं शॉर्ट्स पहन के नहीं आया, जींस पहन के ये आज अगर ये शॉर्ट्स पहन के आता तो मेरे जैसा परेशान होता, क्योंकि मैं शॉर्ट्स पहन के आया हूँ। तो चलो फिर गाड़ी निकालते और आप लोग को मिलते हैं, वीडियो आप लोग एंड तक देखो, बहुत मजा। चलो कार में, चलो अंकल जी लव यू। तो अभी ये देखो अपनी गाड़ी निकल रही है, इसको मेरे को वॉश भी कराना है ब्रो। इसका वॉश कभी करना चाहिए मोगली, वॉश तेरे हिसाब से कर देना एक बार करना चाहिए, अभी टाइम हो गया ना। हाँ, थोड़ा हम लोग इसको चला भी रहे ना, तो मैं आप लोग को बता देता हूँ। जैसे आप लोग अगर मेरे को फॉलो करते हो तो आप लोग को मालूम होगा, इंस्टाग्राम पे भी मैंने ये बात बता दी थी। एक काम करता हूँ, मैं बोलूंगा नहीं आप लोगों को, मैं इंस्टाग्राम पे बता दूंगा कि इसके कितने किलोमीटर्स बचे हैं, क्योंकि जब मैंने इसको रिफिल करवाया था तो रिफिल करवाना मैंने 30 लीटर्स भराए थे। अभी फिलहाल इसके जितने लीटर मैंने इंस्टाग्राम पे अपडेट दे दिया, तो आप लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। अभी गाड़ी के अंदर जाते, गाड़ी की तो मेरे पास है, किधर है, हाँ इधर है जेब में। अभी देखो मैं इसको ओपन करता हूँ। मेरे को ना सबसे बेस्ट पार्ट कौन सा लगता है पता है, मैं बताता हूँ आपको। 1, 2, 3 ये वाला मेरे को सबसे बेस्ट पार्ट लगता है। वाओ, अभी आदर्श तू अंदर जा, मैं तेको अंदर से बंद कर देता हूँ इधर से। तो चलो फिर अंदर बैठ के मिलते हैं। आज भी गाड़ी चला के बहुत ज्यादा मजा आया पवन भाई को। यार लेकिन मैंने एक चीज नोटिस किया, मैंने नोटिस ये किया कि मेरे जो पेट्रोल थे वो शायद से जल्दी खत्म हो गया। तो अभी मैंने जब फील किया तो मेरे पेट्रोल थे 2 किलोमीटर चल सकती है गाड़ी, और अभी मैंने चला लिए हैं करीबन 7 से 8 किलोमीटर दूर। और बस अभी आज ये भी इससे में जो मालूम पड़ेगा, और अभी तक मेरी गाड़ी चल चुकी है 202 किलोमीटर, तो बहुत चल चुकी है। और मैंने तभी 30 लीटर्स को बढ़ाया, तो उस हिसाब से अगर मैं एवरेज पता करूँ तो शायद मैं भी 10 या 12 का एवरेज आ रहा है। और अभी मेन अपने को मालूम पड़ेगा कि अपने को एवरेज कितने का दे रही है। और अगर स्पीड की मैं बात करूं तो मैं नॉर्मल स्पीड रख रहा हूं 40-50 तक, और बाकी तो मेरे जो दोस्त और जो मेरी यार यहां पे बैठे हुए वो बताएंगे कि उनको कैसा लग रहा है मेरी ड्राइविंग। भाई अभी तो तू सीख गया ना, वैसे सीख गया मैं। हाँ भाई, क्या लगता है तेरे को? अभी तो चलते है ना फिर लोनावाला, राइट प्लान करते हैं माथेरान लोनावाला और उधर क्या बोलते अलीबाग। अच्छा मैं अभी गाड़ियां ओवरटेक कर सकता हूँ कि नहीं? कर सकते हो, पर आराम से करो क्योंकि नई गाड़ी ना भाई, और ब्रेकर तो बहुत ज्यादा हर जगह रहते हैं, है ना। यस आदर्श, तेरे को कैसा लग रहा है मेरी ड्राइविंग, तू बता। तो ऑलवेज ऑलवेज इज नाइस एंड ग्लोजियस। नोजेस ग्लोजियस ग्लोजियस या अच्छा अच्छा, मतलब आपको 5 में से मैं आपको 50 नंबर दूंगा। अच्छा, आपकी राइट पे आप जो प्यारी से धीरे धीरे गाड़ी चलाते, ऐसे ही गाड़ी चलाया जाता है।
आईसीनी की गाड़ी मेरी राइड एंजॉय कर रहा है कि नहीं ब्रो? या मैं सो गया था थोड़ी देर के लिए, आपको पता है? मतलब तू सेफ फील कर रहा था कि हाँ अगर भाई चला रहे गाड़ी तो फिर कुछ नहीं होने वाला? यस यस, मतलब इतना सेफ फील कर रहा था। और मुगली मेरे बाजू में बैठा हुआ है, मुगली तेरा कैसा एक्सपीरियंस है, कैसा लग रहा है? एकदम मस्त, अच्छा लग रहा है, चला रहा है। और सबसे ज्यादा मजा कब आता मालूम है सीरियसली भाई? जब एकदम स्पीड में रहे और ये सनरूफ के बाहर निकले तो और मजा आता है, और मजा आ जाता है ना। हाँ, दिल गार्डन भाई, गार्डन वो भी होगा, दिल गार्डन गार्डन होता है वो भी। तो अभी हम लोग ये गाड़ियाँ चलाते हैं और आप लोगों को मिलते हैं आगे। वैसे मजा आ रहा है, हम लोग देखो यार कैसा मालूम है कि हम लोग है ना डेली अभी रोज रात को राइड के लिए निकल जाते हैं हम लोग। तो अभी हम लोग का प्लान चल रहा है कि लोनावाला राइड के लिए हम लोग जाए, अभी नेक्स्ट राइड उधर ही जाएंगे, जिसमें हमारे साथ रहेगी हमारी ये गाड़ी और हयाभूसा। तो कोई अगर हमको ज्वाइन करना चाहता है तो वो इंस्टाग्राम पे मैसेज करे मुझे, डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, जाके फॉलो कर लो और वहाँ पे जाके मैसेज करो। तो उससे क्या रहेगा, एक दूसरे से कनेक्ट रहेंगे और जब भी अगर हमको राइड के लिए निकलना रहेगा तो आप लोगों को आइडिया मिल जाएगा, तो आप लोग भी हमको ज्वाइन कर सकते हैं। इन केस किसी के पास गाड़ी नहीं है, फोर व्हीलर नहीं है या टू व्हीलर नहीं है, तो वो अपने ये जो कार है वो कार में आ सकता है, और बाकी जो बाइक लेके आएगा तो वेल एंड गुड है, और अगर नहीं लेके आ पाया तो अपने कार में वो आ सकता है, अपने कार में बैठ सकता है, एंजॉय कर सकता है और राइड का पूरा मजा ले सकता है, जो कि बहुत मजा आएगा। क्योंकि तुम्हें पता है कि हम लोग जहाँ पे भी जाते हैं हम लोग अपने हिसाब से जाते हैं और फुल मजे करते हुए जाते हैं, क्या बोलता मुगली? हाँ भाई, अभी फिलहाल मैं व्लॉगिंग करना है तो इसकी वजह से मैंने जो है गाना बंद रखा है, नहीं तो फिर हम लोग पूरा एकदम गाना वाना बजाते हुए ले भारी काम 25 से काम कोई भी गाना तेरे जैसे 36 है, हाँ, तेरे जैसे 36 है, 38 है, इनको लाली थे और बनता है बहुत सारा, ठीक है। तो अभी जैसा रहता है आप लोग देखते रहो वीडियो, हम लोग आप लोगों को मिलते। तो अभी हम लोग जहाँ पे थे वहाँ से चलाते चलाते हम लोग गाड़ी आ चुके हैं हमारे अड्डे पे। अब अभी फिलहाल क्या है कि हमारे घर में मच्छर बहुत हो गए, तो मच्छर अगरबत्ती ले रहे हम लोग 24/7 से। उसके बाद थोड़ा पानी लिए और सोच रहे हो आप ना, मच्छर अगरबत्ती भी था, हाँ, और पानी भी ले लिए। और आप लोग सोच रहे हो कि ठंडी में हम लोग सोचो आइसक्रीम खा रहे हैं, कितना रुपया मेरे पास दी हुई 20 रुपया चेंज ले लेना फ्रिज का, ठंडी में आइसक्रीम खा रहे हैं सोचो। और फिर हमको यहाँ से, एक तो अभी मैं देख रहा हूँ कि पेट्रोल पे ब्लिंक कर रहा है, तो पेट्रोल भराएंगे उसके बाद सीधा जाके वीडियो एंड तक देखो, मजा आने वाला है, क्या बोलता है आदम? यस, हमको घूमने का मजा ही कुछ अलग है भाई, मजा। तो अभी हम लोग का पेट्रोल खत्म नहीं हुआ था लेकिन थोड़ा बहुत कम था, तो अभी हम लोग इसको फिल कर रहे हैं करीबन 20 लीटर, और 20 लीटर का पैसा देखो कितना आता है, और फिर उसके बाद देखेंगे कि इसका ये एवरेज कितना दे रही है और ये कितना देर तक चलेगी, जो भी होगा वो आप लोग को मालूम पड़ेगा। कितना जाएगा, 1-1.5-2 हज़ार कितना जाएगा शुक्ला? इंटू करो ना, इंटू करो, मेरा मैक्स थोड़ा बहुत फास्ट है, मालूम पड़ जाएगा थोड़ी देर रुकेगा तो। हाँ हाँ, तू कुल मिला का 1500 तक होगा, मैं लिख के देता हूँ। उसके बाद हम लोग को वो भी देखना है कि कितना देता है, एवरेज कितना देगा। बोला ना भाई, अपन मैक्स में 8 था 8 था 8 था 1600 रुपए में हो गया, ताकि फुल नहीं 60 का लीटर है, मतलब ठीक है अभी जो भी है। तो अभी पैसा देते हैं उसके बाद आप लोग को मिलता है। यहाँ पे जाने के लिए तैयार हूँ और मेरे साथ अभी करीबन 2 लोग और हैं। मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि ये रास्ते से हम लोग जाएंगे, ये जंगलों के बीच में से, और जंगलों के बीच में से जाते हुए वहाँ पे कुछ है और उसके बारे में मैं आप लोगों को बाद में बताऊँगा, लेकिन फिलहाल हमको ये जंगल के बीच में से जाना है। और अभी हम लोग ने एक और टॉर्च मंगाया ताकि हम लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि जंगल के बीच में जाने से क्या प्रॉब्लम होती है कि कोई सांप या ये सारी चीज़ों का डर होता है, तो ये प्रॉब्लम है। तो अभी ये जंगल के बीच में जाएंगे और फिलहाल अभी मैं ऐसे शॉर्ट्स में हूँ, तो लेट्स सी अभी अंदर की तरफ चलते हैं, चले चलो। तो अभी हम ये देखो, देख रहे हो, तो ये तैयार हो चुके हैं और यही रास्ते से हमको भी जाना है, और इतनी ठंडी है यहाँ पे फिर भी हम लोग ये रास्ते से जा रहे हैं, और बाप रे बाप, आराम से देख के जाना कहीं किसी को लगे ना। तो ये देख रहे हो, जंगल के बीच में से हम लोग जा रहे हैं, और जंगल के बीच में से जाने के बाद जब वहाँ पे पहुँचेंगे तो वहाँ पे मैं आप लोगों को कहानी बताऊँगा कि हम लोग क्यों जा रहे हैं ये जंगल के बीच में से। ये देख रहे हो, ये देखो पूरे जंगलों के बीच में से जा रहे हैं। अरे बाप रे बाप, यहाँ पे शायद धान वान कटा था,
तो यहाँ पे जाने के बाद हमको मालूम पड़ेगा, क्योंकि ये जो सर है यही हमें यहाँ पे लेके जा रहा है। ये बोल रहे कि तुम पहले चलो, फिर मैं आपको वो कहानी सुनाऊंगा कि कहानी क्या हुआ था, यहाँ पे क्या घटना हुई थी। और वो कह रहे हैं कि वहाँ पे आज भी मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ भूत। तो जब मुझे भूत दिखा सकते हैं तो मैं जा रहा हूँ भूत देखने के लिए, और मैं डरा हुआ हूँ। और ये देखो पूरा जंगलों के बीच में से, बाप रे बाप।